मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 5 मिनट के जो ट्रिक सीरीज होती है उसमें आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन में आज हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। पहले तो हमें यही पता रहना चाहिए जो पिट्स इंडिया एक्ट होता है वो किस अधिनियम को कहते हैं। तो बताएंगे 1784 वाले अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। कितने बच्चे तो इसी में कंफ्यूज ही आ जाते हैं कि ससुरा 1773 वाले को कहते हैं कि 1784 वाले को कहते हैं। तो याद रखिएगा 1773 पे 5 मिनट का सेशन जा चुका है ट्रिक से, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। ट्रिक लिखा हुआ है, सबसे पहले थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं इसके बारे में, फिर आगे चलते हैं। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से सारे आप करेक्ट करके आओगे, चाहे आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, चाहे जिस लेवल का, यूपी पुलिस, यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट को विलियम फिट कनिष्ठ ने 1784 में पारित किया था, यह याद रख लेंगे। किसने पारित किया था? विलियम पिट कनिष्ठ ने। दोस्तों, इस एक्ट के प्रभाव से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी थैला या सरकारी दस्तावेज, जो पत्र होते हैं, आदेश पत्र होते हैं, भारत नहीं भेजा जा सकता, इस एक्ट में लिखा गया था। इस अधिनियम में एक बात और कही गई थी, इस अधिनियम को कंपनी पर आधिकारिक नियंत्रण स्थापित करने तथा भारत में कंपनी की गिरती साख को बचाने के लिए ही पारित किया गया था। यानी कि यही उद्देश्य था कि जो कंपनी की साख है उसे बचाई जा सके। पिट्स इंडिया एक्ट 1773, याद रखेंगे जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसका उद्देश्य 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ स्पष्ट जो दोष थे उसको दूर करना था। जैसा कि आपको पता है जो आगे आने वाली एक्ट थे, अधिनियम थे, वो पिछले अधिनियम के कुछ दोषों को जरूर से जरूर दूर करते थे, जो उसके निर्गुण थे उसे दूर करते थे। तो इसके द्वारा जो यह अधिनियम है, इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य पर कंपनी और इंग्लैंड की सरकार का संयुक्त शासन स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज की स्वामित्व के दावे का भी पहला दस्तावेज था। यानी कि ब्रिटिश के ऊपर जो दस्तावेज था, स्वामित्व वाला जो ताज था दोस्तों, इसी अधिनियम के थ्रू बना था, मतलब कि लगा था। एक चीज और याद रखेंगे, यही अधिनियम ऐसा था जिसने भारत में द्विसदनात्मक या फिर द्वैध शासन कह लीजिए, द्वैध शासन शुरू कर दिया। इसी अधिनियम से पहली बार द्वैध शासन भारत में शुरू हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए कुछ ट्रिक के बारे में बात करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अधिनियम, पहले ये याद रख लेंगे, इसे पिट्स इंडिया एक्ट को 1784 अधिनियम कहते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों, बिल्कुल शानदार है, आप लोग जानते होंगे, इस समय जनरल बातों से रिलेट करके बनाया है हमने। राजनीति के चोर पिटेंगे कंट्रोल करो, भैया राजनीति के जितने चोर हैं ना ससुरा, सब पिट जाएंगे, वरना कंट्रोल करो। ये ट्रिक है, 2-3 बार करेंगे, रिमाइंड करेंगे, लिखेंगे, याद हो जाएगा। जो राजनीति वर्ड यहाँ पे आया है, राजनीति से याद रखेंगे, राजनीति व आर्थिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। दूसरी चीज, जो चोर वर्ड आया है, इसे चोर से याद रखेंगे, 1784 अधिनियम को क्या कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम कहते हैं। पिटेंगे से याद रखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट याद रखेंगे दोस्तों, इसी अधिनियम को कहते हैं। कंट्रोल से याद रखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया इस अधिनियम के द्वारा। 1784 के अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए राजनीतिक और आर्थिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। दोस्तों, राजनीतिक और आर्थिक कार्य को अलग अलग करने का तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे द्वैध शासन भी पहली बार लगाया गया इस अधिनियम के द्वारा। इतनी बातें अगर याद रखते हैं तो हम नहीं कहेंगे कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, 100% नहीं तो 99.9% चांस हैं कि आपको इसी टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन बना तो इस प्लेस से ही, इस छोटे से ट्रिक से ही आपको फंस जाएगा आपका क्वेश्चन, आप सॉल्व करके आएंगे धमाकेदार तरीके से। दोस्तों, तो आप रिकमेंड करिए किस टॉपिक पे ऐसे ट्रिक चाहते हैं। रोज सेशन आता है 5 मिनट का, आप जरूर से जरूर फॉलो करें। दोस्तों, धन्यवाद।